आपको जैसा भी दिल चाहिए आप पा सकते, सिद्ध दिल पा सकते हैं, नम्र दिल पा सकते, शुद्ध दिल पा सकते, अच्छा दिल पा सकते, खुला दिल, सही दिल, स्थापित दिल, स्थिर दिल, आप कौन सा दिल चाहते हैं? आप निर्णय ले कि आपको कौन सा दिल किस तरह का चाहिए और उसे ले ले और आप उसे पा सकते हैं। Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your कठोर दिल बुरा दिल है। यदि आपका दिल कठोर है तो उस दिल में विश्वास कैसे बढ़ेगा, कैसे उस दिल में बीज बोया जाएगा, कैसे विश्वास बढ़ सकता है, कैसे पहाड़ को हटा देंगे, कैसे विश्वास से जिएंगे, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। कठोर दिल वाले व्यक्ति को आत्मा में वो कैसे बढ़ेंगे? दूसरी बात, संदेह करने वाला दिल। अपने मन में संदेह न करे पर विश्वास करे कि जो कहता है वो हो जाएगा। मरकुस 11:23 कहता है, ये संदेह करने वाला दिल ऐसा दिल है जहां कुछ भी नहीं हो सकता। यह ऐसा दिल है जो जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकता। यह दिल तो बेकार का दिल है, संदेह करने वाला दिल। तीसरा है परेशान दिल। कुछ लोगों का दिल परेशान है। यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, व्याकुल। बहुत से लोगों का मन परेशान है। आपका दिल परेशान है? समुन्द्र की लहरों के जैसे उनमें कोई चैन नहीं है, परेशान दिल। बहुत से कारण है, दुखी दिल एक और बात है।
जब हमारे जीवन में कुछ होता है, कुछ घटता है तो दुख होता है, बहुत असली बात है दुख। लेकिन बाइबल कहती है रोना तो शायद रात भर के लिए हो, लेकिन आनंद सुबह आता है। रोना तो केवल रात भर के लिए है, इसलिए मरने के बाद धन्यवाद की सभा वो रखती है। जानते हैं, धन्यवाद की सभा इसलिए नहीं होती कि धन्यवाद दे कि जाकर चिंता करने लगे। धन्यवाद देने की सभा होती है कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दे और दुख पर जय पाए, क्योंकि आपको जीवन जीना है, आपको काम पर वापस जाना है, पढ़ाई करना है, आपको अपना जीवन जीना है, सकारात्मक सोचना है, जीवन में आगे बढ़ना है। और ये सब आप उस मरे हुए व्यक्ति के लिए नहीं जी सकते हैं कि बाकी सारा जीवन दुख में बिताए, केवल आंसू बहाते रहे नकारात्मक रूप में। यह प्रभु की इच्छा नहीं है। यह ऐसा दिल है जो आगे नहीं जा सकता। रोना शायद रात भर के लिए हो, लेकिन आनंद सुबह आना ही चाहिए। यदि रात है तो अवश्य सुबह है। दुख शायद उस रात के लिए हो, लेकिन सुबह के लिए नहीं है। सुबह के लिए आनंद आना चाहिए। ठीक है, अगला, मूर्ख दिल। किसी के पास मूर्ख दिल है? खैर, मैं मानता हूं मुझ में मूर्ख दिल था। कुछ साल पहले मैं बहुत से तरीके से मूर्ख था। मूर्खता के विचार किए, मूर्खता की इच्छा रखी, मूर्खता की चीजों के पीछे भागा, मूर्खता के काम किए। जानते हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं करोड़ों बार, प्रभु तेरा धन्यवाद मुझे इस मूर्खता से निकालने के लिए, क्योंकि मैं कहीं नहीं पहुंचता, मेरा जीवन बर्बाद हो जाता क्योंकि मैं मूर्ख था। और हम में से बहुत से लोग इस तरह की बातों में आते हैं, ये मूर्ख दिल है। हाँ, मूर्ख दिल तो बुरा दिल है। देखिए, फिर अगला है मोटा दिल, बहुत मोटा दिल। बाइबल इसके बारे में कहती है, जानते मोटा दिल, बहुत मोटा दिल क्या है? अब हम यहां पर बैठे हैं, तापमान निश्चित स्तर पर है, आराम के स्तर पर है, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं सोचते। कुछ लोग कहते हैं मुझे और ज्यादा एसी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं मुझे कम एसी चाहिए। जिन्हें ज्यादा एसी चाहिए वो ऐसे लोग हैं जिनमें चर्बी ज्यादा है। समस्या यही है, ये चर्बी उनके शरीर को घेरे है, वो उन्हें दूर रखती है इस ठंडी हवा से। वो ठंडी महसूस नहीं कर सकते, ठंड काफी नहीं है उनके लिए, और चाहिए। उनकी चर्बी के कारण वो महसूस नहीं कर पाते हैं, वो कम महसूस करते हैं यहां के ठंडे वातावरण के लिए। ठीक है, अब दिल का मोटापा दिल की सचेतता ना होने के बारे में बताता है। बहुत से लोग सचेत नहीं है क्योंकि दिल मोटा हो गया। मोटे दिल वाले लोग, जानते हैं, वो मोटे दिल के हैं, इसलिए दूसरों के लिए सचेत नहीं, चीजों के बारे में सचेत नहीं है, और ये सब, इसमें ज्यादा समय नहीं बिता सकते। टूटा दिल, बहुत से लोगों का दिल टूटा है इसलिए दुखी होते हैं। यदि आप किस कारण से टूटा दिल के साथ आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन की टूटी दीवारों को बनाने वाला है। आप जहां है वहां से परमेश्वर आपको उठाएगा। यदि आप हजारों टुकड़ों में बिखरे तो उठाएगा और फिर से बनाएगा, अद्भुत सुंदर व्यक्ति के रूप में बनाएगा। हाँ, कुछ सुंदर और अद्भुत वो आपके जीवन से बनाएगा, आपके इस बिखरे हुए दिल से, प्रभु इसे करेगा। आपको टूटे दिल के साथ नहीं रहना है, आपको टूटेपन को लेकर नहीं चलना है। वो टूटापन सही होना चाहिए, ठीक होना चाहिए कि आगे बढ़ सके। ठीक है, सीधा दिल सकरा दिल है, इसका विरोधी, बाइबल इसके बारे में भी कहती है, बड़ा दिल। ठीक है, और सकरा दिल भयानक दिल है, ये सकरा मन होता है, इसमें बहुत सी चीजों के लिए जगह नहीं होती है। और फिर अंधा दिल, अगला, धोखा खाया दिल। आप जानते वो क्या है? दोषी दिल। दोषी दिल यानी हमेशा ऐसा दिल जहां आप लोगों को हमेशा खुद पर दोष लगाते देखते हैं, मैं कुछ नहीं, मैं एक पापी हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं जानता हूं मैं बुरा हूं, मैं जानता हूं मैं योग्य नहीं हूं, इस तरह के लोग, बहुत से विश्वासियों में ऐसे दोषी दिल है। उनका दिल अच्छा नहीं है, वो दिल सकारात्मक नहीं है और वो कहीं पर नहीं जाएंगे। गर्व या घमंडी दिल, ये एक और तरह का दिल है। बाइबल कहती है कि प्रभु घमंडी का इनकार करता है। आक्रामक दिल तो आक्रामक और सताने वाला, जबरदस्ती वाला दिल है। क्या आपने देखा है सताने वाले, जबरदस्ती वाले लोग? अब यदि वो आपकी बगल में है तो बस मुस्कुराइए, ऐसे दिखाइए कि कुछ पता नहीं, हम ठीक हैं, बस इसमें से जा रहे हैं। भ्रष्ट दिल तो दुष्ट दिल है, वो केवल गलत दिशा में सोचता है। भारी दिल बोझ का दिल है, ऐसा दिल जो चिंता से भरा है,
समस्या और इन सब से जीवन की बातों के बोझ में है डरा हुआ दिल, दिल जो डर से भरा है, बागी दिल, बलवा करने वाला दिल, ये समर्पण नहीं करता है, आज्ञा नहीं मानता है, जो खुद को नम्र नहीं करता, ऐसा दिल जो बलवा करने में बागी दिल है, थका हुआ दिल, ये अजीब है, थका दिल तो सामान्य सी दशा हो गई है, बहुत से लोगों के दिल थके हैं, मतलब वो निराश हो जाते हैं, वो थक जाते हैं, हिम्मत हारते, वो कुछ अच्छा होने की राह देखते हैं और कुछ नहीं पाते हैं, तो वो राह देखते और थक जाते हैं। बाइबल कहती कि न थके भले काम करते हुए, आप जो भी बोते हैं वही आप काटेंगे भी, थके नहीं मतलब इससे न थके, आशा न खोए, निराश न हो, आप जो कर रहे हैं उसे करते रहें, विश्वास करते रहें, विश्वास में खड़े रहें, आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि आप जो भी बोते हैं वही आप काटेंगे भी। थका दिल अच्छा दिल नहीं है, आपको इसे सही करना होगा। यदि दिल निराश है, नीचे है, तो दिल में थके हैं, दिल में हिम्मत हारते हैं, तो दिल को मजबूत कर ले, क्योंकि उसे मजबूत दिल होना चाहिए, परिस्थिति में थकना नहीं चाहिए। विभाजित दिल, ये बैर का दिल है, ये फैलने वाला है अपने आप में और बाहर भी दूसरे लोगों के संबंध में। विभाजित दिल, दुष्ट दिल, अब ये छोटी लिस्ट है, ठीक है, आप बड़ी लिस्ट बना सकते हैं खुद अध्ययन करने के लिए और देखें कि आप कहां हैं। कोई नहीं देख रहा है, जब अब इस लिस्ट में से जाकर आप देख सकते हैं मुझ में क्या समस्या है, क्यों मैं गड़बड़ी में हूं, मेरा जीवन इस तरह से क्यों है, क्या मेरे जीवन में ये चिन्ह है, क्या मैं इन चीजों से मैं परेशान हो गया हूं, क्या मैं अपने जीवन में इन चीजों को देख रहा हूं। ये आपके लिए है कि व्यक्तिगत रूप से देखे, मेरे प्रचार के लिए नहीं, मैं बस इसे दिखा रहा हूं ताकि आप बुरे दिल के चिन्ह को देख ले, ऐसा दिल जो आपको कहीं नहीं ले जाएगा, ऐसा दिल जो आपको सफलता में नहीं ले जा सकता है, ऐसा दिल जो विश्वास नहीं कर सकता, ऐसा दिल जो पहाड़ों को नहीं हटा सकता कि आप विजय ले ले, ऐसा दिल आगे नहीं बढ़ सकता। यानी आपको इसे सही करना है, इसे पहचानना है अपने जीवन के क्षेत्र में जहां आप दिल की दशा को जानते हैं, इसे सही कर ले, क्योंकि आपके दिल की दशा महत्वपूर्ण है, आपकी भलाई की दशा के लिए जरूरी है। अब अच्छे दिल की दशाएं, अच्छे दिल की दशाएं, अब आप आराम कर सकते हैं, आमेन, अब आप कह सकते हैं हां वो मैं हूं, प्रभु की स्तुति, वो मैं हूं, ठीक है। अच्छा दिल, सब लोग कहे अच्छा दिल, अच्छा दिल किस तरह होता है या दिल की अच्छी दशा क्या है? शुद्ध दिल, क्या आपने कभी बाइबल में पढ़ा है? बाइबल शुद्ध दिल के बारे में कहती है, ये अद्भुत दिल है, ये शुद्ध दिल है, नम्र दिल, प्रभु ऐसे दिल से प्यार करता है, ईमानदार दिल, ये भी बहुत ही अद्भुत ऐसा दिल है, अच्छा दिल, खुला दिल, सही दिल, ये सब बाइबल में है। स्थिर दिल, दिल जो हिम्मत नहीं हारता है, ये थकने वाले दिल का उल्टा है, दिल हिम्मत नहीं हारता, स्थिर रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, इस मनुष्य का दिल अच्छा होता है और वो मुश्किल परिस्थिति में खड़े रहता है और हिम्मत नहीं हारता है जब तक कि उत्तर को वो न देख ले, आमेन। डटा हुआ दिल, स्थिर दिल, हमने स्थिर दिल के बारे में कहा है जबकि भजन 112 के बारे में चर्चा की, ठीक है। स्थापित दिल, ये ऐसा दिल है जो डरता नहीं है, चाहे बुरी खबर क्यों ना आ जाए, ये दिल तो किसी के लिए भी तैयार होता है, हाँ। स्थापित दिल, जो कुछ सत्य में स्थापित है, ये कुछ सत्य पर मजबूती से विश्वास करता, इसलिए स्थापित दिल है। बुद्धिमान दिल, मूर्ख दिल का उल्टा, इच्छा रखने वाला दिल, बाइबल कहती है यशायाह अध्याय 1:19 में, हमने इसका अध्ययन किया, यदि हम इच्छा रखें और आज्ञाकारी हो तो देश की सबसे उत्तम उपज खाएंगे, हाँ? जीवन में सबसे उत्तम पाने के लिए इच्छा रखनी है, इच्छा रखना महत्वपूर्ण कुंजी है जीवन में सबसे उत्तम पाने के लिए, इच्छा रखना। खुश दिल, मुझे पसंद है खुश दिल, सब लोग कहे खुश दिल, इसका अर्थ है आनंदित दिल, ऐसा दिल जो सच में आनंद बनाए, ऐसा दिल जो सच में खुश हो जाए। कुछ विश्वासी नींबू के रस में डूबे होते हैं, या चाहे जो भी हो, कुछ भी कह सकते हैं, जानते हैं उनमें से कुछ लोग जब आप देखते हैं बाइबल लेकर चर्च में जाते हैं कड़क हो जाते हैं, जानते हैं दुखी दशा में होते हैं चुने हुए जमे लोग,
ये ऐसे लोग हैं जो चर्च में आते समय ऐसे होते हैं, नहीं तो वो ठीक होते हैं, दूसरे समय आनंद में रहते। और फिर बहुत आत्मिक लोग हैं जो हमेशा ऐसे होते हैं। कुछ पति और पत्नी जीवन साथी के बारे में शिकायत करते जाते हैं, कई बार इस तरह से कहते हैं, बहुत कठोर हैं, मुस्कुराते नहीं, बात नहीं करते, मजाक नहीं करते, जानते हैं बहुत अकड़े होते हैं। अगर आप पूछे कि आप क्यों अकड़े हैं, तो बहुत आत्मिक है इसलिए ऐसे अकड़े हैं, उनकी आत्मिकता उन्हें ऐसे बनाती है, इतने अकड़े हुए हैं, जानते हैं। थोड़ा खुला होना चाहिए, खुश दिल होना चाहिए, जीवन का आनंद लेना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद कि हम चर्च में आकर खुशी से हंस सकते हैं। मुझे याद है कुछ साल पहले हम इस तरह से नहीं हंस सकते थे। एक भाई थे जो हमें बता रहे थे, मुझे याद है एक भाई थे, एक प्रचारक, जो कहते थे हंसना नहीं, यदि सारे जवान लोग बैठकर एक साथ हंसते हुए बातें कर रहे हैं तो उन्हें आकर देखकर कहते हंसना नहीं, शांत रहो। हमने नाम दे दिया था हंसना नहीं, हंस नहीं सकते थे, हंसना पाप था, जानते हैं, सब कुछ पाप था। अच्छा समय नहीं बिता सकते थे, आनंद नहीं ले सकते थे, कुछ भी नहीं। मुझे याद है जब मैं नई सेवकाई शुरू कर रहा था, मैं जवानों में काम करता था, जवानों की रैली करता था, सेवकाई में इसी तरह से आया, जवानों की रैली, ये जगह जवानों से भरी थी, और वो यहां पर आते कॉलेज और हाई स्कूल से, और मैं खुद उस समय जवान था, अभी भी जवान हूं। और मैंने उस समय हैंडबिल प्रिंट किया और उस पर ये लिखा था, आकर आनंद उठाएं, इस तरह लिखा था, अच्छी तरह का आनंद। और एक प्रचारक मुझे सड़क पर मिले और वो मुझसे लड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा, आप कैसे कह सकते हैं कि आकर आनंद उठाए, मैं आपसे बातें करना चाहता हूं, आप इन जवानों के साथ क्या कर रहे हैं, उन्हें आनंद के लिए कैसे बुला सकते हैं। मैंने कहा, भाई आनंद उठाए बाइबल से और स्तुति और आराधना कीजिए, और ये सब कुछ गलत नहीं है, हम आनंद उठाएंगे। सारा दिन जवान बोर होते हैं, जवान लोग सड़क के किनारे खड़े रहते हैं, जवान लोग ड्राइव इन रेस्टोरेंट में होते हैं, और ये सब। मैंने उनसे कहा कि आकर आनंद उठाएं, इसमें क्या गलत है। उन्होंने कहा, नहीं आप आनंद नहीं उठा सकते। तो कहा, आप पार्टी में नहीं आ सकते। ये आपके लिए नहीं है भाई, इसमें नहीं आना। किसी ने मसीह टेलीविजन शो में देखा, वो बहुत परेशान हो गए कि जवान लोग इस तरह से गा रहे हैं और इस तरह कर रहे हैं, वो अलग है, परंपरा थोड़ी अलग है, और ये सब। वो बहुत गुस्से में आ गए, ओ मैं टीवी नहीं देखूंगा। मैंने कहा, इसे मत देखिए, ये आपके लिए नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसे समय पर रखा कि जवान लोग देख सके। आप बूढ़े क्यों देख रहे हैं, आपको ये नहीं देखना चाहिए। जब आपका प्रोग्राम आए तो आप देखिए। ये मसीह टेलीविजन था और वो बहुत गुस्से में आ गए, वो इस तरह के गीत क्यों रख रहे हैं, इस तरह क्यों वो कूदते जा रहे हैं, वैसा क्यों करते हैं, ऐसे। देखिए वो जवान लोग हैं, क्या आप चाहते हैं कि जवान लोग बूढ़े के जैसे खड़े रहे, जानते हैं। वो कूदना चाहते, कूदने दे, तो क्या हुआ, मजा कर रहे हैं, जानते हैं, ठीक है, खुश दिल, सब लोग कहे खुश दिल, क्या आपका दिल खुश है, अब इसके लिए आप अच्छे से हाथ उठा सकते हैं। समझ का दिल और सिद्ध दिल, सब लोग कहे सिद्ध दिल, मुझे पसंद है सिद्ध दिल, चलिए इसे सही कहे। दिल के बारे में अच्छी खबर यह है, आपको अपने दिल की ओर देखकर कहने की जरूरत नहीं है, मेरे प्रभु मेरा दिल बुरा है, पास्टर सैम ने यही कहा है, मैं बड़ी परेशानी में हूं क्योंकि हर एक लक्षण मुझ में दिखाई देते हैं, मैं क्या करूं, मैं अब क्या करूं। इसके बारे में अच्छी खबर यह है, आपका दिल बहुत जल्दी बदल सकता है, इसी तरह से आप अपने दिल को जल्दी से बदल सकते हैं, और आपको अपना दिल बदलने के लिए जो भी चाहिए वो सब यहां पर है प्रभु के वचन में। आप अपने दिल को अद्भुत बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, सिद्ध दिल परमेश्वर की दृष्टि में, यदि आप ये चाहते हैं तो। आपको जैसा भी दिल चाहिए आप पा सकते, सिद्ध दिल पा सकते हैं, नम्र दिल पा सकते, शुद्ध दिल पा सकते, अच्छा दिल पा सकते, खुला दिल, सही दिल, स्थापित दिल, स्थिर दिल, आप कौन सा दिल चाहते हैं, आप निर्णय ले कि आपको कौन सा दिल किस तरह का चाहिए और उसे ले ले, और आप उसे पा सकते हैं, यही तो बात है। चलिए आखिरी वचन पढ़ता हूं, दूसरा इतिहास अध्याय 16 वचन 9। ये एक और वचन है जो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन देखते हैं कितना जानते हैं। यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है, सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है, अविश्वसनीय है, मतलब परमेश्वर
कि आंखें पूरी पृथ्वी पर लगी होती है, यहां वहां देखती है, सच में खोजती रहती पूरी पृथ्वी पर, वो किसे ढूंढता है, वो क्या देखना चाहता है, वो पृथ्वी पर इधर उधर फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ दिखाए। बहुत से लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, प्रभु को खोज रहे हैं, जैसे मानो परमेश्वर खो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिसका दिल सिद्ध है, ऐसा व्यक्ति जिसका दिल सिद्ध है, अच्छा दिल है, आत्मिक दिल है, ऐसा व्यक्ति जिसका दिल परमेश्वर के वचन से भरा है, परमेश्वर ढूंढ रहा है। क्यों? वो खुद को सामर्थ्य दिखाना चाहता है उस व्यक्ति के बदले में, वो अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहता है, अपने चमत्कार, अपने अद्भुत काम उस व्यक्ति के जीवन में, वो उस व्यक्ति के जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। और मैं आपसे कहता हूं, जब मैंने इसे जाना तो प्रभु से कहा, प्रभु मुझे व्यक्ति होने दे, तू खुद को मुझ में सामर्थ्य दिखा और मेरे द्वारा। देखिए, हमारी मनोदशा ऐसी होनी चाहिए, हम अपना दिल सही करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपनी आशीष उंडेलना चाहता है, जैसे उसका वचन कहता है, वो हम पर उंडेलना चाहता है बहुतायत के रूप में। लेकिन ये सही दिल होना चाहिए, सही तरह से इसका उपयोग होगा। अगर गलत व्यक्ति पर उंडेले तो गलत रीति से व्यर्थ किया जाएगा, वो व्यक्ति इन सारी चीजों को बिल्कुल बर्बाद कर देगा। परमेश्वर अच्छे दिल वाले व्यक्ति को देख रहा है। हाँ, अच्छा दिल। हमें अच्छा दिल पाने के लिए कितना समय लगेगा? बहुत समय नहीं दोस्तों। यदि आप निर्णय ले कि आपको अच्छा दिल चाहिए, सिद्ध दिल चाहिए, तो आप इस पर काम कर सकते हैं। किसान जैसे ही आप जाकर प्रभु का वचन ले, वो दिल जो आप चाहते हैं वो आपका हो सकता है। आप अपने दिल को आकार दे सकते हैं जिस तरह से आप चाहते हैं। आप शुद्ध दिल चाहते हैं तो इसे शुद्ध कर सकते, गंदगी को निकाल दे जो आपने इसमें रखी है। आप वो गंदगी देख रहे हैं उसे देखना बंद कर दे, आप जो गंदगी पढ़ते हैं उसे पढ़ना बंद कर दें, आप दिल को शुद्ध कर दे। बस आप अच्छी चीजों से दिल को भरना शुरू कर दे और इसे शुद्ध दिल बना दे। आपको स्थापित दिल चाहिए तो फिर कुछ सत्य में जाए और उससे इसे भर दे। अपने दिल को सत्य में स्थापित करे और फिर उसे स्थापित दिल बनाए। हाँ, आप इसे कर सकते हैं। बात तो यह है, खुशखबर यह है कि आप जैसे हैं वैसे रहने की जरूरत नहीं है। आप जिस दशा में हैं, अपने जीवन की दशा आपके दिल की दशा से निश्चित की जाती है। बाइबल यही सिखाती है, इसी से जीवन का सोता बहता है, आत्मा से जीवन का सोता बहता है, जीवन यहीं से आता है। यदि अभी गलत है, यदि सही जीवन नहीं है, इस समय जीवन इस समय अच्छा नहीं है, तो दिल को बदलना चाहिए। यदि आप अपने दिल पर काम करें, अपना दिल बदल दे, मैं आपको बताऊं, आप उज्जवल और सुंदर भविष्य पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए निश्चित किया है। वो आपकी राह देख रहा है, दूसरे शब्दों में परमेश्वर देख रहा है, खोज रहा है कि आपको आशीष दे। यदि आप वो दिल पाए जो शुद्ध है, दिल ऐसा है जो परमेश्वर के सामने सिद्ध है, यदि आप अपना दिल सही कर ले परमेश्वर के सामने, तो प्रभु की आशीष आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी, आशीष आपकी है। इसी तरह का व्यक्ति दूसरे लोगों के लिए आशीष हो जाएगा।
I'm confident.